नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीएसएससी ने कल रात एक नोटिस जारी किया है और इस नोटिस में बीएसएससी ने यह बताया है कि सीजीएल 3 पीटी रिजल्ट के बारे में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अफवाह फैलाई जा रही है और बीएसएससी ने यह भी बताया है कि इस रिजल्ट में पूरी तरह से पारदर्शिता बरती गई है। तो बीएसएससी के इस नोटिस का हम जवाब दे रहे हैं कि बीएसएससी से हम पूछना चाह रहे हैं कि आपका इशारा किसके तरफ है, आप किसको असामाजिक तत्व बोल रहे हैं, आप किसके बारे में बोल रहे हैं कि अफवाह फैलाई जा रही है। आपका इशारा अप्रत्यक्ष रूप से दिलीप कुमार की तरफ है, ये सबको पता है, सभी लोग इस बात को समझ रहे हैं, क्योंकि कल दिलीप कुमार ने ही आपकी कार्यशैली पे सवाल उठाया था, कल दिलीप कुमार ने ही आपके रिजल्ट में पारदर्शिता नहीं होने का सवाल उठाया था। तो आपको इसका जवाब देना चाहिए। जब हमने ये सवाल किया कि 2-3 रोल नंबर ऐसे हैं जो मुझे नजर आया, जो अभ्यर्थियों ने मुझे भेजा कि 23 दिसंबर की प्रथम पाली का था जो कि परीक्षा रद्द हो चुकी थी, वो रोल नंबर था, तो आपको इसका जवाब देना चाहिए था, लेकिन आप जवाब रात में देते हैं, जबकि हमने सवाल आपसे दिन में ही किया था, दिन में ही आपसे पूछा था, जब आपने उसका कोई जवाब नहीं दिया, ना कोई नोटिस जारी किया, तब हम लाइव आकर इस चीज़ का जिक्र किए सार्वजनिक रूप से, और आप रात में नोटिस जारी करते हैं। तो आपको नोटिस में सिर्फ उस रिजल्ट के बारे में बताना चाहिए कि रोल नंबर क्यों 23 दिसंबर प्रथम पाली वाला है रिजल्ट में, इसका स्पष्टीकरण आपको देना चाहिए, लेकिन आप क्या करते हैं, उसका स्पष्टीकरण तो देते हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं आपको, लेकिन आप उसके साथ साथ क्या करते हैं, आप एक तरह से डराने का काम करते हैं, एक तरह से आप धमकी दे रहे हैं दिलीप कुमार को, आप डराने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके खिलाफ कोई बोले नहीं, आपकी गलत नीतियों, आपके गलत कार्यशैली के खिलाफ कोई बोल ना पाए, इसके चलते आपने नोटिस में क्या लिखा कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अफवाह फैलाई जा रही है। कौन सी अफवाह फैलाई जा रही है भाई? आपसे हम पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं तो हम अफवाह फैला रहे हैं, हम असामाजिक तत्व हो गए? आपसे हमने लोकतांत्रिक ढंग से पूछा कि 23 दिसंबर के प्रथम पाली का रिजल्ट जो है, रिजल्ट में रोल नंबर कैसे शामिल है, तो आपको लोकतांत्रिक ढंग से जवाब देना चाहिए, न कि आप जवाब दे रहे हैं और उसके साथ साथ आप धमकी दे रहे हैं। तो दिलीप कुमार किसी धमकी से नहीं डरता है, हम किसी से नहीं डरते हैं, किसी धमकी से नहीं डरते हैं, आप लोग को जो करना है कर लीजिए, दिलीप कुमार नहीं डरने वाला है, न हम डरेंगे, न झुकेंगे, न बिकेंगे, छात्र हित की लड़ाई हम लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे, पूरी निडरता के साथ लड़ेंगे, ईमानदारी के साथ लड़ेंगे, आप लोग को जो करना हो कर लीजिए, दिलीप कुमार लोकतांत्रिक ढंग से छात्र हित में आवाज उठाता रहेगा। और आपसे हम क्या मांग रहे हैं, आपसे हम क्या जमीन मांग रहे हैं, आपसे घर मकान मांग रहे हैं, आपसे हम नौकरी मांग रहे हैं? नहीं, आपसे सिर्फ हम पारदर्शिता मांग रहे हैं, जो 9 लाख अभ्यर्थियों का अधिकार है, 9 लाख बिहार के युवाओं का अधिकार है, ये जानने का अधिकार है 9 लाख अभ्यर्थियों को कि आपने किस क्वेश्चन का आंसर क्या सही माना है, ये 9 लाख अभ्यर्थियों को जानने का हक है कि उनको कितना मार्क्स आया इस परीक्षा में, उनको जानने का हक है कि उनका ओएमआर सीट में कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुआ, आपने ओएमआर सीट में क्या किया नहीं किया, आप ऑनलाइन जारी कीजिए ओएमआर सीट। अगर बीएसएससी ईमानदार है, अगर बीएसएससी भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं है, अगर सीजीएल 3 के रिजल्ट में कोई धांधली सेटिंग नहीं हुई है, तो बीएसएससी सभी परीक्षार्थियों का ओएमआर सीट ऑनलाइन जारी करे, क्वेश्चन ऑनलाइन जारी करे, आंसर की ऑनलाइन जारी करे, और सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स ऑनलाइन जारी कीजिए। आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? इससे क्या देश को खतरा है, बिहार की सुरक्षा को खतरा है, क्या खतरा है? क्यों नहीं आप लोग ऑनलाइन जारी करें? हम तो मांग कर रहे थे आपसे कि परीक्षा समाप्ति के बाद ही आप ये सब चीज कर दीजिए कि परीक्षार्थियों को क्वेश्चन बुकलेट और ओएमआर सीट की कार्बन कॉपी आप दीजिए, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, तो कम से कम अब तो आप ऑनलाइन जारी कर सकते हैं ना।